हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानक माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुछे। बंधुकण, श्रावण रही पवित्र मासरे शिवलिंगरु आणिबे एही गुप्त जिनिस भगवान भोलेनाथक कृपारु आपणकु मिलिबो समस्त कष्टरु मुक्ति, जीवन रे धनर वर्षा हेबो, आपण कोटिपति बनिजिबे। बंधुकण, 4 जुलाई रु श्रावणर पवित्र मास आरंभ होई सारिछि। शिव आसिबार आवास पृथ्वीर कोण कोणरे होई सारिछि। श्रावणर समाप्ति 31 अगस्त को हेबो। श्रावण पवित्र मासटी भगवान भोलेनाथंकु समर्पित अटे। कुहा जाय कि जेउं व्यक्ति सच्चा हृदय रे पूजा करे भगवान भोलेनाथ ताहार समस्त मनोकामना पूरण करिथांति। जदि कोनोसी व्यक्ति शिव पुराण अनुसारे श्रावण सोमवार रे एही गुप्त जिनिस उठाई आनी थाए एवं ताहाकु निज घरे स्थापन करिथाए, तेबे सेही व्यक्ति घरे केबे धनर कमी रहि नथाए, सेही व्यक्तिर समस्त मनोकामना पूरण होइथाए। एही श्रावण मासरे देखिथिबे शिवंक समस्त भक्त भगवान भोलेनाथंक भक्तिरे लीन होइथांति। जेते भी भगवान शिवंक भक्त अछन्ति से भगवान शिवंकु नाना प्रकार पूजा पाठ करन्ति। भगवान भोलेनाथंक पई अनेक उपाय मध्य करिथांति, जल अर्पण करिथांति, शिवंकु मीठा भोग लगाइथांति, काउडी यात्रा आरंभ करिथांति, जहा द्वारा भगवान भोलेनाथंक आशीर्वाद मिलि पारिबो। श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार खास होइथाय। एमिती कुहा जाय कि जदि कोनोसी व्यक्ति श्रावणर केउ भी सोमवार किंबा प्रत्येक सोमवार व्रत रखिथाय, ताहाठारे भगवान शिवंक कृपा बर्षिथाय एवं से व्यक्तिर जीवनरे काल भी किछि करि पारिबो नाही। भगवान शिवंक कृपारु सेही व्यक्ति जीवनरे सकारात्मक संचार होइथाय एवं सेही व्यक्ति जीवनरे सफलता पाइथाय। जदि आपण श्रावणर प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथंक पई व्रत रखि पारु नाहंती, तेबे शिवलिंगरु एही जिनिस उठाई आणुछंती एवं घरे स्थापन करुछंती, आपणक घरे केबे धन धान्यर कमी रहिबो नाही एवं भगवानक असीम कृपा बनि रहिबो। बंधुगण, जेउ जिनिस बिषयरे आमे आपणक जणाइबो सेही जिनिस आपण श्रावणर कोणसी सोमवार दिन गुप्त जिनिसकु उठाइ आणुछंती, तेबे आपणक जीवनरे थिबा समस्त कष्ट दूर हेबो, बेपार चालिबो, घरकु धन आसिबा आरंभ होइजिबो, आर्थिक कष्टरु मुक्ति मिलिबो। तो चालंतु बंधुगण जानिनेबा सेही जिनिस कोण अटे। ता पूर्वरु भिडियोटिकु गोटे लाइक करि कमेंट बक्सरे जय महादेव अवश्य लेखन्तु। बंधुगण, प्रथम कथा हेउछि, जदि आपण चाकरी खोजुछंती, आपण चाहूछंती आपणक चाकरी हेई जाउ, तो आपण एही उपाय करंतु। एही उपाय करिले आपणक चाकरी होइजिबो। सेही उपायटि हेउछि, श्रावणर पवित्र सोमवार रे आपण शीघ्र उठि स्नान करि सारि गोटे काच पात्र रे गोलमरीच भरी करंतु एवं गोटे लोटा जल नियंतु एवं सेथिरे गंगा जल भरी करि दियंतु। आपण भगवान शिवंक मंदिर जाइ उत्तर आडकु मुह करि शिवलिंगरे एक लोटा जल अर्पण करंतु। पानी ढालिबा परे आपण नेइथिबा कला मरीचकु शिवंकु छुआई आनी आपणक पूजा करि स्थापन करि दियंतु, आपणक पूजा करि रखि दियंतु। जेबे आपण चाकरी संबंधित घरु बाहरु छंती सेतेबेले पूजा घरु कला मरीच नेइ निज पॉकेट रे रखि दियंतु, आउ आपण निज कार्यरे बाहरि पडंतु। आपणक चाकरी हेबारे कोनसी बाधा आसुथिला सेही बाधारु मुक्ति मिलिबो एवं आपणकु मन पसंदर चाकरी मिलिजिबो। एहाकु अंधविश्वास भाबिबे नाही, एहा प्राचीन कालर महा उपाय अटे। शिव पुराणर अध्याय नंबर 54 रे भी एहा वर्णित अटे। एही उपाय अवश्य करंतु। बंधुगण, एही उपाय को सच्चा श्रद्धा हृदय रु करिबा उचित अटे। मनरे कोनसी द्वंद रहिबा उचित नुहे। एही उपाय भगवान शिवंकु स्मरण करि करंतु। द्वितीय उपाय हेउछि, एहा एमिति एक उपाय, एही उपायटि करिबा परे आपणक घरे उन्नति हेबो, आपणक घरे भोलानाथंकर कृपा बर्षिबो। बंधुगण, श्रावणर पवित्र मासरे भगवान भोलेनाथंक संपूर्ण परिवार मूर्ति आणुछंती एवं एहाकु आपणक घरे स्थापन करिबे, तेबे घरे भगवान भोलेनाथंक कृपा मनि रहिबो, एथिरे आपणक घरे उन्नति हेबो, आपणक घरे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। बंधुगण, जदि श्रावण मासरे जेउं व्यक्ति भगवान शिवंकु रुद्राक्ष अर्पण करुछंती, त भगवान शिवंक कृपा तांक उपरे बनि रहिथाए। श्रावणर कोनसी सोमवार रे आपण रुद्राक्ष माळा नियंतु एवं शिव मंदिर जांतु, शिवलिंगरे एक लोटा क्षीर चढ़ातु, एहा परे शिवलिंगरे रुद्राक्ष छुई आणतु, बस एतिकी करंतु। बंधुगण,
रुद्राक्ष माला धारण करिबा परे आपनकु भगवान भोलेनाथक असीम कृपा प्राप्त हेबो। जेबे भगवान भोलेनाथक लुह पृथ्वी रे पड़ीथिला सेबे से लुह रुद्राक्ष रे परिणत होइथिला। सेबेठारु रुद्राक्ष उत्पन्न होइथिला। रुद्राक्षर एहि उपाय करिबा परे रुद्राक्षर पूजा करंतु, पूजा करि स्थापना करंतु। एहा करिले आपनक जीवन रे सकारात्मकता आसीब, भगवान शिवक कृपारु आपन जीवन रे विकास करिबे। बंधुगण, आपण जदि आर्थिक समस्या रे फसी रहिछंती, धन रोहू नाही, आपण कोनोसी कर्ज रे बुडी रहिछंती, तेबे आपण श्रावण रे ही पवित्र मास रे कोनोसी सोमवार रे डंबुरु किणि आनंतु एवं सेही डंबुरु नै भगवान शिवंक पाखरे छुआई दियंतु। सेही डंबुरु को आनी निज पूजा घरे स्थापना करि दियंतु। बंधुगण, बस एतिके करि दियंतु, सेही डंबुरु को प्रतिदिन धूप लगांतु। एतिके आपण करि देले जेउ करजरे आपण बोली रहिथिले सेही करजरु आपण को मुक्ति मिलिबो, आपणक जीवन रे धन आकर्षित हेबो, आर्थिक समस्या रु मुक्ति मिलिबो एवं धन रे वृद्धि हेबो। बंधुगण, आपणक बहुत शत्रु रहिछंती, आपणक हानि पहुंचाउछंती, सेमाने चाहूछंती आपण जीवन रे केबे भी आगु को बढंतु नाही। इमिति किछि शत्रु जदि आपणक रहिछंती तो आपण हि पवित्र मास रे कोनोसी सोमवार दिन आपण मार्केट रु गोटे त्रिशूल किणि आनंतु। त्रिशूल किणि भगवान भोलेनाथक मंदिर जांतु। मंदिर जिबा परे शिवंक प्रतिमार डाहाण चरण को एहि त्रिशूल छुआंतु। एहि त्रिशूल छुआई निज पूजा घरे स्थापना करि दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणक शत्रु किछि भी करि परिबे नाही। एहि परि भाबे आपणक दुर्भाग्य आपणक पिछा छाडु नाही। आपण एहाकु नै बहुत चिंतित अछंती। आपण चाहूछंती कि आपणक दुर्भाग्य आपणक ठारु बहुत दूर रे रहु, तो श्रावणर पवित्र मासरे कोनोसी सोमवार दिन मयूर पंख किणि आनंतु एवं एहाकु आपणक पूजा घरर कोनोसी ग्रंथरे रखि दियंतु। कुहा जाय थाए कि श्रावण मासरे मयूर पंख किणि आनी रखिले एथिरे आपणक भाग्य उदय होइथाय, आपणक दुर्भाग्य आपणक छाडी चली जायथाय, आपण आपणक जीवन रे सफलता पाइबे। बंधुगण, शिवलिंग रे जदि दुब घास अर्पण करूछंती तो भगवान शिव आपणक धन धान्य रे मालामाल करि देबे। भगवान शिव आपणक सुख समृद्धि रे परिपूर्ण करि देबे। आपणक घरे केबे धन दौलतर कमी हेबो नाही, गरीब केबे आसीबो नाही। तो बंधुगण, एहा थिला सही उपाय। एही उपाय द्वारा आपण आपणक समस्त मनोकामना पूर्ण करि परिबे। जदि भिडियोटी पसंद आसी थाए भिडियोटी को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय महादेव अवश्य लिखंतु।